सत्कारयोग साथियों, सारयां नूं जय भीम, जय भारत। नवें साल दियां मुबारकां, शुभकामनावां। सारे ही दोस्त नवें साल दे विच नवें नवें प्रण, नवें नवें यतन, नवें नवें तकनीक ये सीखण दी कोशिश करिए। नाल असीं जागरूक बणीए, जिस तरह के कोरोना वायरस दे नाल साडियां सिक्ख्या संस्थावां बंद पईयां, ठप्प पईयां। साडे बच्चों की पढ़ाई ते बहुत उहदा बुरा प्रभाव पिया। एक नवीं गल सीखण नूं भी मिली कि बच्चों नूं, जिस तरह असीं कहिंदे सी कि मोबाइल फोन बच्चों की पढ़ाई ते असर करता है, उही फोन बच्चों की पढ़ाई लई सहायक बणिया। अज बच्चे ऑनलाइन मोबाइल दे उत्ते पढ़ते हैं। बहुत एक नवा तजर्बा सानू मिलिया। सो कोई भी साधन बुरा नहीं हुंदा, उस दी वरतों बुरी हो जाती है। इस करके असी अपने तकनीकी साधनों की वरतों करते हुए बच्चों नू चंगी सिक्ख्या देिए, नाल दी नाल तर्क ते परख वाली सोच अपनाउण दा प्रण करिए। क्योंकि दुनिया दी तकनीक बहुत अग्गे जा चुकी आ, सानू सिर्फ ये तकनीकां वरतण दा मौका मिलिया, लेकिन तकनीक कम किदां करदी है ये सब तो बहुत दूर है, साडी सिक्ख्या तो बहुत दूर है। मैं एक सुझाव दिता सी फेसबुक राही कि पंजाब सरकार ने जो कल्ले कल्ले नौजवान नाल वादा किया सी कि तुसी कांग्रेस नूं वोटां पाओ, सरकार बनते सार ही कल्ले कल्ले नौजवान नूं मोबाइल फोन, घर घर नौकरी पक्की, ये कहा सी। इसी भी कांग्रेस दे यकीन किया, साडे नौजवानों ने उहदे फार्म भी भरे, कर्जा माफ़ी दे फार्म भरे, कल्ले कल्ले नौजवान का नाम लिख के घर चो लैके गए। लोगों ने वोटा भी पाइया, पर जो फोन देन लगे तो वो फोन सिर्फ +2 विच पढ़ते नौजवानों नूं ही दित्ते, बाकी नौजवान इस तो वांझे रह गए। पर खैर कोई गल नहीं, मैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं बेनती भी की सी कि मोबाइल फोन चाइना तो खरीदने की बजाय चाइना तो तकनीक लिया के नौजवानों को दी जाती। वो बच्चे साढ़े घर घर बैठ के मोबाइल बनाते, लैपटॉप बनाते, वो फिर तो सारे, चाहे तुसी कले कले भारत के, कले कले पंजाब के, कले कले वोटर नू, कले कले बच्चे नू वो फोन मुहैया करा सकते सी, क्योंकि घर घर मोबाइल दी तकनीक जो पहुँच जाती बनते, जिदा चाइना में बनते हैं, असी चाइना तो माल खरीद के वंडे। ये ना सानू चाइना नू फायदा होया व्यापार दे विच, ते सानू उहदे विच वो तकनीक नहीं मिली। ये जो फोन दिते हैं, चाहे आपां मुल भी खरीदते हाँ, वो साल 2 साल चलते हैं, उस तो बाद मिट्टी हो जाते हैं, दोबारा खरीदने पैंदे हैं। इसे करके दोबारा फिर असी उही चाइना वाल देखांगे। सो दोस्तों, ये तकनीक दे हानि बन जाई, सानू तकनीक सीखनी पैनी है। मोबाइल, लैपटॉप, ये सानू घर घर बनाउण दी तकनीक आनी चाहिए है। सरकारां नूं बेनती है कि ये काम करन। दूजी गल, वोटरां नूं भी बेनती है कि ऐसियां सरकारां दी चोण करन तां जो साडे घर घर चाइना वर्गी तकनीक आ जावे, जापान वर्गी तकनीक आ जावे, स्विट्जरलैंड वर्गी तकनीक आ जावे। क्योंकि स्विट्जरलैंड दे विच बर्फ़ जम जाती है, पहाड़ ही पहाड़ा, कोई खेती नहीं होती, देखने को सीनरियां सोहनिया लगदियाँ, पर सियाल के बर्फ़ जम जाती है, लोग अंदर घर बढ़ जाते हैं। वो जो जिन्ना चर बर्फ़ जमी रही है उदों भी काम करते हैं, गर्मियों के सैर सपाटा जो वो काम कर लेंगे हैं, तो वो लोग सब तो ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि वो उन्होंने एक तकनीक बैठी घर घर के तकनीक पहुँचा दी, वो चीज़ा बनाई जाते हैं तो संसार भेजते हैं। सो यही तकनीक साढ़े नौजवानों नूं, साडे बच्चों नूं ये तकनीक मिलनी चाहिए है। सो सारे ही इस तकनीक की मंग करिए,
कि सरकारां ये तकनीक साढ़े तक लैके आउण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत।